नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। नसरुल्ला गंज लाड़कुई क्षेत्र के आदिवासी ग्राम भिलाई में वन अधिकार पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशाल आदिवासी सम्मेलन में आदिवासी महिला नेत्री निर्मला सुनील बारले के नेतृत्व में आदिवासी संस्कृति के प्रतीक तीर कमान भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़कुई पहुंचकर शासकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने कहा कि अब उच्च शिक्षा के लिए जनजातीय बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं भिलाई में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई आदिवासी लोगों को बिना मुआवजे के नहीं रहेगा। जो आदिवासी दिसंबर 2006 से पहले की वन भूमि पर काबिल है उन्हें पट्टा प्रदान किया जाएगा और ऐसे किसानों को अब प्रधानमंत्री फसल बीमा मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माफिया पर सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि बदमाशों अब मध्य प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मामा छोड़ेगा नहीं, और गरीबों का पैसा खाने वालों को मध्य प्रदेश से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुले शब्दों में कलेक्टर को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता से सम्मान से मिले, मैं खुद उसकी जांच करूंगा और यदि कोई शिकायत मिली तो आपकी खैर नहीं, क्योंकि जब खुद मुख्यमंत्री जनता का स्वागत है तो प्रदेश का हर अधिकारी जनता की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। नसरुल्ला गंज से फिरोज खान की रिपोर्ट। मेरे बच्चों तुम तो जानते ही होगे उस जमाने में, सबसे तो साथ है तो साथ है, और आप भी साथ रहेंगे तो कसम नहीं छोड़ी। एक एक गांव से जो चार आशीर्वाद बस